हेलो बच्चों, नानी माँ दादी माँ का किचन में आपका स्वागत है। आज मैं मछली फ्राई बनाने जा रही हूँ। मैं सोची कि मैं आज बनाऊँ, तो फ्रिज में देखी मछली है, तो सोचा कि जो है ना आज मछली का फ्राई कर देती हूँ। उसके लिए देखिए, ये सुल्तान मछली है, इसको खूब अच्छे से धो लेना है, एकदम खड़ा मछली पूरा, इसका पेट वेट साफ करके, और उसके बाद इसमें कट लगा लेना है इस तरह से। ये देखिए पूरा कट लगाया हुआ है, ये पूरा कट लगा के इसमें नमक पूरा घस लीजिए चारों तरफ से, और एक घंटा इसको रख देना है। नमक लग, मैं ऐसे कर चुकी हूँ। अब इसके लिए सामान क्या क्या चाहिए, ये सरसों, लहसुन, अदरक, अदरक का एक दो तीन डली, और ये बड़ा बड़ा लहसुन है, तो मैंने एक पूरा एक पोटी है, पूरा ये एक पोटी लहसुन है। ये अदरक है, ये सरसों 2 चम्मच, काली मिर्च 1 चम्मच, 2 चम्मच मिर्ची पाउडर और 1 चम्मच हल्दी पाउडर, और ये नमक अंदाज से। इस सबको जार में पीस लेना है। ये एक कटोरी, छोटी कटोरी से कटोरी दही और आधा नींबू, ये सब लेना है, और ये सब पूरा जार में अब मैं पीस लेती हूँ। ये देखिए, ये पूरा मैं इसमें दही वही सब डालकर पीस ली हूँ, पूरा दही है और नींबू भी सब इसी में डालकर जार में मैं पीस ली। अब इसको जो है ना, ये सुल्तान मछली है, अब जो भी मछली बनाए सब मछली में बन सकता है, ये ज़रूरी नहीं है कि सुल्तानी मछली हो। इसको पूरा कट लगा लिए थे पहले से, और इसमें पूरा अच्छे से इस सब में मसाला ये भर दीजिए, पूरा इसका पेटों के में भी ये सब भर दीजिए, ये सब अच्छे से इसको। ये पूरा भर लेना है इस तरह। ये देखिए सब में जगह जगह एकदम कोना कोना में लग जाना चाहिए, ये पूरे जैसे। फिर इसको पलट लीजिए, पलट के फिर इसके अंदर सब भर दीजिए। फिर अच्छे से इसको भर दीजिए, पूरा हर जगह इसको लगा लेना है, एकदम भर भर के, एकदम जहाँ जहाँ कट लगाइए वहाँ एकदम अच्छे से मसाला भर देना है। ये पूरा मैं देखिए पूरा मिला ली हूँ, 1 घंटा मेरा हो भी गया ये, और ये जितना भी मटन हो या चिकन हो मछली हो, नमक के पानी में डाल देने से नमक अच्छे से अंदर चला जाता है। उसको आधा घंटा छोड़ दे नमक डालकर, तो सब में नमक अच्छा अंदर घुस जाता है। इसी से हम लोग जो है ना, जितना भी मटन चिकन या मछली होता है उसमें आधा घंटा पहले से नमक डाल देते हैं। ये पूरा मेरा अच्छे से हो गया, और ये कढ़ाई पैन में चढ़ा ली है, इसमें आप थोड़ा सा तेल डाल लीजिए। थोड़ा सा तेल डालकर अच्छे से इसको फैला लीजिए। इसमें ये मछली मछली को इस तरह से उठा के पूरे इस तरह से ये, अब इस तरह का पूरा लाल हो जाएगा, पूरा ब्राउन कलर का, तब इसको पलटना है। ये इस तरह का हो चुका है नीचे का, अब इसको आप जब ब्राउन हो जाए तभी कढ़ाई से छूट सकता है तेल से, अभी तक कभी आपका
ब्राउन हो गया। ये देखिए अच्छे से ये मेरा फ्राई हो गया। अब इसे जो है अब गैस को आप बंद कर दीजिए। ये देखिए पूरा अच्छे से चल गया है ये, ठीक है। अब इसको अभी गैस में बंद कर दे रही हूँ। अब ये एकदम तैयार हो गया। आपको मेरी वीडियो पसंद आए तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे नई रेसिपी के साथ।